बिलासपुर जनपद में मेडिकल स्टोर के मालिकों ने अपनी मांग को लेकर आज दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रही। आज भी जनपद का एक भी मेडिकल स्टोर नहीं खुला। फुटकर व थोक दोनों विक्रेताओं ने दुकान नहीं खोली। ड्रग इंस्पेक्टर पीसी रस्तोगी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रखी है। फैजाबाद केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि जिन लोगों को ज़रूरत की दवा लेनी है वह पहले से लेकर रख लें, क्योंकि जब भी ड्रग इंस्पेक्टर पीसी रस्तोगी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो मेडिकल स्टोर नहीं खोलेंगे। फैजाबाद केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अवि आनंद ने ड्रग इंस्पेक्टर पीसी रस्तोगी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इनका व्यवहार गलत है। अयोध्या जनपद में 400 से अधिक मेडिकल स्टोर के लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण दवा कंपनियां दवा उपलब्ध नहीं करा रही हैं। उन्होंने बताया कि ड्रग इंस्पेक्टर भ्रष्टाचारी है। अयोध्या में ही इनके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा अन्य जनपदों में भी इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं और ये 3 बार सस्पेंड भी हो चुके हैं। फिलहाल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन अपनी जीत पर अड़ा है। जब तक ये ड्रग इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक मेडिकल स्टोर नहीं खोलेंगे। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि हमारी मांगे मान लेंगे, लेकिन हम लोग अपनी पहले हड़ताल वापस लें। हमारा कहना यह है कि पहले आप हमारी मांगें पूरी कर दीजिए, तब हम हड़ताल वापस लेंगे, क्योंकि ये हक और हकूक की लड़ाई है। ये एक बहुत ही भ्रष्ट और पागल किस्म के अधिकारी को यहाँ से हटाने की लड़ाई है। ये तमाम व्यापारियों का है जिनका जीवन वहाँ से चलता है, जिनका परिवार उस व्यापार से चलता है, उनके परिवार को जिलाने की, उनके परिवार को सुरक्षित रखने की, उस व्यापारी का मान सम्मान रखने की लड़ाई है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष सुधीर अग्रवाल जी और प्रदेश महामंत्री दिवाकर सिंह जी, वो सुबह ड्रग कंट्रोलर से मिले हैं, उनसे वार्ता किया है। शाम को 4 बजे प्रमुख सचिव जी से मिलेंगे, उनसे वार्ता करेंगे। कल 12 बजे वो लोग यहाँ पर आएंगे, उनसे की गई वार्ता हम लोग को बताएंगे। आगे हम लोग को गाइडलाइन देंगे कि पूरे प्रदेश बंद करने की तैयारी की जाएगी, या कोई ऐसी वार्ता हो गई है या ऐसा कोई सोल्यूशन निकल गया है जिससे हम लोग अपनी हड़ताल वापस लेंगे अगर उन्होंने हमारी मांगे पूरी करवा ली। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो प्रदेश पूरा हमारे समर्थन में तैयार खड़ा है, लेकिन हम लोगों ने उनको रोका हुआ है कि यहाँ की लोकल समस्या है, तो पूरा प्रदेश का नागरिक, आम नागरिक दवा के अभाव में परेशान ना हो, इसलिए हम लोग ऐसा कदम अभी उठाने से रोक रहे हैं। लेकिन जब कोई चारा नहीं बचेगा तो मजबूरी में ऐसा कदम उठाना पड़ेगा। मरीजों के लिए अगर आपका संगठन वो तो मैंने आपको लोगों को पहले बताया कि अभी आज तक हमने जो भी नर्सिंग होम के अंदर मेडिकल स्टोर हैं उनको खुले रखे हुए हैं, उनको बंद नहीं किया हुआ है। जो एमरजेंसी केसेस निजी नर्सिंग होम में है उनको वहाँ से दवाई कैटर हो रही है। अपना फ़ोन नंबर, अपने मीडिया प्रभारी का फ़ोन नंबर, अपने रिटेलर प्रभारी का फ़ोन नंबर, अपने महामंत्री का फ़ोन नंबर मैंने फ्लैश करा रखा है। जिनको दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं उस नंबर पर संपर्क करके उनको उस मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ उपलब्ध करा दी। लेकिन सिर्फ इमरजेंसी दवाइयाँ, मतलब सर दर्द की, पेट दर्द की दवाइयाँ नहीं, जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं वही दवाई उनको मिल पाएगी। अवि आनंद, अध्यक्ष, फैजाबाद केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन